दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी राशि से जानेंगे कि इस नवरात्रि में आपको किस देवी की पूजा करनी चाहिए, और इसके साथ यदि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या कमिटेड हैं तो कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। और इस नवरात्रि स्पेशल में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके 12 राशियों के बारे में, और जानते हैं कि इस नवरात्रि में आपको क्या क्या उपाय करने हैं और कैसे आपको नवरात्रि में लाभ लेना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। आपको पता है मेष राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है इनका अग्रेशन। इनका गुस्सा इतना ज्यादा हाइपर लेवल के ऊपर आ जाता है कि ये अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि अग्रेशन की वजह से ये अपने पार्टनर से कई बार इतने ज़्यादा उलझ पड़ते हैं और अपने चीज़ों को सॉर्ट ही नहीं कर पाते हैं। और कई बार ये लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, जो अक्सर उनकी लव लाइफ में पंगा बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है। और हाँ, इन्हें अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा कि इनका जो पार्टनर है वो साइडलाइन महसूस करने लगता है। और इनकी एक खासियत है बॉस बनने की कोशिश। जब भी इन्हें लगता है कि इनका पार्टनर इनकी बात नहीं मान रहा है तो ये अनकंफर्टेबल होके उठ जाते हैं, और यहाँ से शुरू होती है इनकी लड़ाई। इनका ये ईगो कई बार प्यार में बड़ी दीवार बन जाता है। ये अपने काम में इतने बिजी भी रहते हैं कि पार्टनर को टाइम देना ही भूल जाते हैं। यहीं से इनकी लाइफ में काफी ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उपाय की और किस देवी की इनको पूजा करनी चाहिए। मेष राशि के लोगों को नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ तारा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इनके लिए स्कंद माता की पूजा विशेष फलदायी होती है। कोई भी मीठा भोजन या दूध से बना कोई भी हलवा देवी को अर्पित इनको जरूर करना है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, लाल फूल भी उनको जरूर चढ़ाने हैं। यह सब करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा इन सभी लोगों पे बनेगी और इनका प्यार और भी मजबूत इस नवरात्रि पे हो जाएगा। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। सबसे बड़ी कमी यदि इस राशि के लोगों की बताएं तो ये अपने जिद्दी और स्थिर स्वभाव के लिए बहुत ही फेमस है। ये उनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कभी कभी बहुत बड़ी उलझने खड़ा कर देती हैं। इनकी जिद की वजह से कई बार इनके जो पार्टनर के साथ इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का मसला आ ही जाता है, क्योंकि ये अपनी पुरानी आदतों से बाहर आना ही नहीं चाहते। बात करें तो ताजगी और नए विचारों की इनके रिश्ते में खासी कमी नजर आती है। वृषभ राशि के लोगों की पसंद नापसंद बड़ी साफ होती है। ये अपने विचारों में इतने अडिंग होते हैं कि पार्टनर के साथ समझौता और तर्क दोनों ही टेढ़ी खीर बन जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनका रवैया पार्टनर को नाराज या अलग थकान महसूस करा देता है। इनके करियर और पैसों में इनको इतनी दिलचस्पी होती है कि कभी कभार इनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये अपने प्यार पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका समाधान यदि नवरात्रों के ऊपर बताया जाए इस राशि के लोगों को, तो वो कौन सी देवी की पूजा करनी है? वृषभ राशि वालों को षोडशी देवी की पूजा करनी चाहिए। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण यह त्रिपुर सुंदरी भी कहलाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को सफेद चीजें अर्पित जरूर करनी चाहिए। इस नवरात्रि में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करने से आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्यार जरूर बढ़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वभाव की बात करें और सबसे बड़े कमी की बात करें, मिथुन राशि वाले तो अपनी चंचलता और तेज तरार बातचीत के लिए बहुत ही मशहूर माने जाते हैं, पर कभी कभी ये इनकी खूबियां इनकी लव लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ में पेंचा फंसा देती है। इनकी ये हवा हवाई वाली बातें और हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ने की आदत कभी कभार इनके पार्टनर को उलझन में डाल देती है। और हाँ, मिथुन वाले किसी एक जगह ज्यादा देर तक टिकने रहने में माहिर नहीं होते हैं, इससे इनके रिश्तों में थोड़ी स्टेबिलिटी आने की कमी आ जाती है। मिथुन राशि का डबल नेचर भी कभी कभी इनके प्यार के रिश्तों में बवाल खड़ा कर देता है। एक तरफ तो ये लोग सुपर लविंग और केयरिंग होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि इनकी पर्सनल स्पेस कोई घेर रहा है तो ये अचानक से बैकआउट कर जाते हैं। इनकी सोशल लाइफ और करियर में बिजी रहने की आदत से ये कई बार अपने पार्टनर को इग्नोर भी कर देते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। अब हम बात करें कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा करें और क्या उपाय करें। तो मिथुन राशि के लोगों को दुर्गा का ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही आप देवी भुवनेश्वरी की पूजा भी कर सकते हैं, इससे घर में सुख शांति आएगी। ब्रह्मचारिणी की चीनी और पंचामृत का भोग लगाना बहुत जरूरी है।
इससे लोगों पर माता ब्रह्मचारिणी का विशेष कृपा बनी रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को अपने इमोशनल डेप्थ और सेंसिटिविटी के लिए जाने जाते हैं, पर कभी कभार ये इनकी लव लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। ये अपने रिश्तों में इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि कई बार इनका पार्टनर खुद को घोटा हुआ महसूस करने लगता है। ये लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत ही गहराई से लेते हैं, जिससे कई बार बिना बात के तनाव और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। कर्क राशि वाले अपने आराम के लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। इनका ये प्रोटेक्टिव नेचर कई बार पार्टनर के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिससे रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। ये अपने पार्टनर के हर छोटी छोटी चीजों में बहुत ही देखभाल करते हैं, पर कभी कभार इस सिचुएशन के कारण पार्टनर अपने आप को बहुत ही घुटा महसूस करता है और इनके बीच में दूरियां भी आ जाती हैं। तो यदि हम बात करें कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा करें और क्या उपाय करें इस राशि के लोग, तो ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। कर्क राशि की माँ शैलपुत्री को दही, चावल और बताशा जरूर चढ़ाएं और आशीर्वाद माँ का प्राप्त करें। साथ ही आपको देवी कमला की उपासना जरूर करनी चाहिए। यह देवी अपने उपासक को धन धान्य से संपन्न बना देती है। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और माँ दुर्गा के साथ भगवान शिव की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले तो नेचुरल लीडर होते हैं, अपने आत्मविश्वासी और रॉयल अंदाज के लिए ये बहुत ही मशहूर होते हैं, पर कभी कभी ये खूबियां इनकी लव लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ में एक ट्विस्ट ला देती है। इनका ये डोमिनेटिंग नेचर कई बार पार्टनर को ओवर प्लांट फील करा सकता है और यहीं से टकराव इनका शुरू हो जाता है। ये हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ इनके हिसाब से चले, जो कि हर बार इनके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सिंह राशि वालों को अपनी शान और शौकत में जीना बहुत ही पसंद होता है, जिसके चलते कई बार अपने पार्टनर को सिंपल और छोटी खुशियों को ये नजरअंदाज कर ही जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बड़ी और महंगी चीजों से ही खुशियां ला सकती हैं, पर असल में जो प्यार है वो छोटी छोटी चीजों के मायने बहुत रखता है। अगर हम बात करें कि इस नवरात्रि पे किस देवी की पूजा करें और क्या उपाय करें सिंह राशि के लोग, तो नोट करिएगा, सिंह राशि के लोगों को माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप का स्मरण जरूर करना चाहिए और उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस राशि वालों को बंगला मुखी देवी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। यह अपने उपासक को सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देती है और उन्हें हल्दी जरूर चढ़ाएं। इसके साथ कपूर से माँ की आरती जरूर करनी है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोग तो अपने प्रोफेशनलिज्म वाली आदत के लिए बहुत ही फेमस होते हैं और ये इनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कभी कभार ट्विस्ट ले आता है। ये चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, जिससे इनका पार्टनर कभी कभी प्रेशर बहुत ही महसूस करने लगता है। बस इन्हें लगता है कि हर कोई इनकी तरह परफेक्ट होना चाहिए, तो बेचारे पार्टनर के लिए थोड़ा सा ओवर हो जाता है, जिस वजह से पार्टनर और इनके बीच में सिचुएशन इनबैलेंस हो जाती है। तो कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं ना, ये हर छोटी चीज को बहुत ही गहराई से मापते हैं। इनकी ये आदत कभी कभी रिश्ते में बिन बुलाई मुसीबत ले आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इससे इनके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इनका पार्टनर इनको बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा है और ये पार्टनर इनकी कमियां निकालता है और कभी कभी ये कमियां इनके रिश्तों को तोड़ भी देती हैं। तो बात करते हैं इस नवरात्रि के ऊपर इस राशि के जितने भी लोग हैं वो किस देवी की पूजा विशेष रूप से करें और क्या उपाय करें। कन्या राशि वालों के लिए भक्ति भाव से कात्यायनी देवी की पूजा करना विशेष फलदायी हो सकता है। इसके लिए देवी को दूध और चावल का हलवा जरूर अर्पित करना है। ऐसा कहा जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वभाव की बात करें तो तुला राशि वाले जितने भी लोग होते हैं ये बहुत ही डोमिनेटिंग स्वभाव के लोग होते हैं। ये बहुत ही फेमस भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ये चीजें इनकी लव लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी का कारण बन जाती हैं। ये बातों को इतना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कई बार इनके पार्टनर को सही फीलिंग्स का पता ही नहीं लग पाता है, और तो और
फैसले लेने में इतनी देरी करते हैं कि इनके रिश्ते में कभी कभार तनाव भी पैदा हो जाता है। तुला राशि वाले आपको देखने को जरूर मिलेंगे कि ये अपनी सोशल लाइफ में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, मतलब ये प्रेफरेंस बहुत ज्यादा उस लाइफ को देते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि कभी कभार इनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये लोग इन्हें अनदेखा कर रहे हैं। इनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा होता है कि इनको समझना इतना मुश्किल होता है कि इनके साथ जुड़ा हुआ शख्स कौन फ्रेंड है और कौन फ्रेंड से ज्यादा बढ़कर है। तो यदि बात करें कि इस नवरात्रि के ऊपर इस राशि के व्यक्ति किस देवी की पूजा करें तो वो नोट करिएगा। तुला राशि के लोगों को माँ महागौरी की पूजा करना विशेष जरूरी है। इसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद माँ महागौरी को लाल वस्त्र जरूर अर्पित करें, इससे आपके परिवार और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले अपने इंटेंसिटी और पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, पर कभी कभी ये चीजें इनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में रोलर कास्टर राइड ले आती है। इनका डीप इमोशनल नेचर और एक्सट्रीम लेवल की पेशेंट फीलिंग्स कई बार इनके पार्टनर के लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है। ये अपने रिश्तों में इतना डीप चले जाते हैं कि कभी कभार इनके पार्टनर को ये डर भी लगता है कि कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले। वृश्चिक राशि वालों के ओवर पॉजेसिव नेचर के कारण कई बार इनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये इनके ऊपर बहुत शक कर रहे हैं, और इनका पार्टनर जो होता है वो इनकी हर बात को बहुत गहराई से सुनता भी है, समझता भी है और उनकी हर हरकतों को महसूस भी करता है। पर कई बार इनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ओवर हो रहा है और कई बार इस सिचुएशन की वजह से इन दोनों के बीच में काफी टकराव हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस राशि के जितने भी लोग हैं इस नवरात्रि में किस देवी की पूजा करें और क्या उपाय करें। मंगल की इस राशि वालों को देवी तारा की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तारा देवी की साधना करने वाले भक्तों को ओम श्रीम ह्रीम स्त्री हूं फट मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक सुबह शाम देवी की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें और उन्हें गुड़ भी जरूर चढ़ाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग अपने एडवेंचर्स नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर माने गए हैं, पर कभी कभार ये चीजें इनकी लव लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी चुनौतियां ले आती हैं। इनका ये लव फॉर फ्रीडम इन्हें कमिटमेंट से थोड़ा झिझकने पे मजबूर कर देता है, जिससे इनके पार्टनर को कभी कभी इनसिक्योर फील हो जाता है। ये इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि कभी कभार अपने साथी को भी साइडलाइन कर देते हैं और इनके बीच की दूरियां बढ़ ही जाती हैं इसी कारण की वजह से। धनु राशि वाले लोग अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं इनकी बिंदास और कभी कभी तीखा अंदाज इनके पार्टनर को कई बार चुभ जाता है और ये रिश्ते में खटास भी पैदा कर देता है। तो ये राशि के लोग बहुत ही फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट बातें करते हैं, घुमा के बात करना पसंद नहीं करते हैं। और हमेशा इस वजह से कई बार इनका जो पार्टनर है वो कई बार इनकी बातों को बुरा भी मान जाता है। तो अगर हम बात करें कि इस नवरात्रि के ऊपर किस देवी की पूजा करें और क्या उपाय करें, धनु राशि वालों को देवी बंगला मुखी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें और धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दौरान देवी को पीली मिठाई और तिल का तेल जरूर अर्पित करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले तो अपने एम्बिशंस और डिसिप्लिन के लिए काफी मशहूर हैं, लेकिन ये खूबियां कभी कभार इनके लव लाइफ में और इनके मैरिड लाइफ में टेंशन ला देती है। इनका ये एम्बिशियस नेचर और काम के प्रति लगाव कभी कभी इन्हें अपने पार्टनर के लिए कम समय निकालने को मजबूर कर देता है, जिससे इनके बीच की नजदीकियां कम हो जाती हैं। ये इतने फोकस होते हैं कि कभी कभार अपने रिश्तों को भी ये टास्क की तरह मैनेज करने लगते हैं, और इनका पार्टनर कई बार ये सिचुएशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और टकराव का कारण बन ही जाता है। तो मकर राशि वाले अपनी रियलिस्टिक अप्रोच के कारण कभी कभार बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। इनका ये अप्रोच इनके पार्टनर के लिए थोड़ा हार्ड फील हो सकता है, क्योंकि ये अपने पार्टनर के साथ वही परफेक्शन और वही कमिटेड एक्सपर्ट करते हैं जो ये खुद हैं, और कभी कभार इनके पार्टनर को इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये पार्टनर कभी कभार बहुत ही प्रेशर फील करता है, जिससे कि इनके बीच में दूरियां बन जाती हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि इस नवरात्रि के ऊपर इस राशि वालों को कौन सी देवी की पूजा करनी है और क्या उपाय करना है, तो मकर राशि वालों को देवी सरस्वती की पूजा जरूर करनी है और इसके साथ इनको छेना से बना हुआ भोग अर्पित जरूर करना है, साथ ही सरस्वती चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले अपने इनोवेटिव और आजाद ख्यालों के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन कभी कभी ये खूबियां इनके लव लाइफ और इनके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उलझने ला जाती है। उनका ये फ्री सेपरेटेड नेचर इन्हें बंधनों से दूर करना चाहता है, जिससे कि कभी कभी इनके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि इनका पार्टनर इन्हें पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ये लोग अपने आजाद ख्यालों को इतना महत्व देते हैं कि कभी कभी अपने साथी की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर बैठते हैं। कुंभ राशि वाले अपने अनोखे विचारों के चलते कभी कभी रिश्तों में एक अलग ही अप्रोच रखने की कोशिश भी करते हैं। इनकी ये क्रिएटिविटी कई बार इनके पार्टनर को एक अनस्टेबिलिटी का एहसास भी करा सकती है, जिससे इनका पार्टनर को ऐसा महसूस हो सकता है कि ये पार्टनर सिर्फ रिश्ता चला रहा है पर ये निभा नहीं रहा है। तो यदि हम बात करें कि इस नवरात्रि के ऊपर इस राशि के लोगों को कौन सी देवी की पूजा करनी है और क्या उपाय करना है, तो नोट करिएगा, शनि की इस राशि वालों को देवी काली की उपासना जरूर करनी चाहिए। देवी अपने भक्तों को संसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करती है। देवी को प्रसाद रूप में बेसन के पकोड़े का भोग इनको जरूर लगाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोग अपने गहरी इमोशनल सेंसिटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत ही मशहूर माने गए हैं, पर कभी कभी ये चीजें इनके लव लाइफ में और इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ही उलझने खड़ा कर देती हैं। इनकी ये डीप इमोशनल नेचर इन्हें कभी कभी रिलेशनशिप में ओवर फ्लेमिंग भी बना देती है, और ये अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहराई से ले जाते हैं। यह इनके पार्टनर के लिए कभी कभी थोड़ा बोझिल भी हो सकता है। मीन राशि वाले लोग अपने सपनों में इतना खो जाते हैं कि कभी कभी ये एग्जैक्टली उस सिचुएशंस को समझ ही नहीं पाते कि जो इनके लाइफ में चल रहा है, और यही आदत कई बार इनके रिलेशनशिप में हर्डल्स क्रिएट करती है, जिससे कि इनका पार्टनर ऐसा महसूस करता है कि ये रियल लाइफ में वो नहीं है जो ये एग्जैक्टली दिखा रहे हैं, और इससे कई बार इनके रिश्तों में कमियां देखी गई हैं। तो यदि हम उपाय की बात करें कि इस नवरात्रि में इस राशि के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए, तो याद रखिएगा, मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ इनको जरूर करना चाहिए, और माँ चंद्र घंटा को केले और पीले फूल इनको जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूरी भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया है कि इस नवरात्रि के ऊपर आपको कौन सी देवी की पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, और इसके साथ आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, लोगों को शेयर भी करिएगा, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।